वही कान नहीं ले रहा था, देखा नहीं चला है ठीक है कि नहीं? वही बोले समय में कोई प्रॉब्लम है इंटरनली तो गड़बड़ है, नहीं दो काम एक साथ नहीं कर सकता है ना, तो कन्वर्ट भी कर रहा था और उधर भी ले रहा था, नहीं ले रहा था यहाँ। चलिए मतलब चला आपका हो जाएगा लाइट का ऑप्टिक्स का लाइट एक बात हुआ रे ऑप्टिक्स का ऑब्जेक्टिव सोल्यूशन क्या पढ़ेंगे भाई? ये जब तक चल दिखाई देगा अंजला लाइट का ऑब्जेक्टिव सोल्यूशन क्या करेंगे बाबू? ऑब्जेक्टिव सोल्यूशंस न। चलिए क्वेश्चन तो सब लिखा रहेगा है कि नहीं? चलिए ऑब्जेक्टिव हम लोग आने ले चलते हैं। चलिए पहला पढ़ेंगे क्वेश्चन, मतलब अपना असाइनमेंट रखना पड़ेगा। चलो अपना असाइनमेंट क्वेश्चन लिखाएंगे तो फिर तो बहुत टाइम लग जाएगा ना। चलिए इसीलिए हम लोग ठीक है सब। चलिए मतलब कुछ कुछ न्यूमेरिकल्स रहेगा उसको डील के लिए चलेंगे है कि नहीं, बाकी जो थ्योरिकल होगा उसका आंसर बोल देंगे। देखिए थोड़ा समय दे जाना बाबू, बोला गया पहला जो क्वेश्चन बोला है पहला, देखिए क्या बोला है। पहला बोला है बाबू कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश की किरण मुड़ जाती है। क्या होता है जब एक माध्यम से, देखिए एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम पर प्रकाश जाते हैं तो मुड़ जाती है, तो किरण के मुड़ने को कहा जाता है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर जो मुड़ते हैं जला उसको हम अपवर्तन कहते हैं। अपवर्तन की नहीं परिभाषा है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम जाते हैं तो अपने उसके मार्ग से मुड़ने की घटना को हम अपवर्तन कहते हैं। तो आपका आंसर कौन हो जाएगा? अपवर्तन। क्लियर है? यानी पहला का आंसर आपका हो जाएगा चला सी। क्या हो जाएगा बाबू? पहला सी असाइनमेंट का है। क्लियर? दूसरा देखिए, समझ में आया कि नहीं? दूसरा बोला बाबू कि निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा वस्तु का भासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है? सुन ले राम राम से, किस दर्पण द्वारा वस्तु का भासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है? पहला में ऑप्शन है केवल समतल दर्पण के द्वारा, बी में है केवल अवतल दर्पण के द्वारा, सी में केवल उत्तल दर्पण के द्वारा, डी में तीनों। आपको याद होगा पढ़ाए चला देखिए समतल, सुनिए अनिदे चला आभासी प्रतिबिंब किस में बनता है ये पूछ रहा है। दो बाबू समतल दर्पण में भी आभासी बनता है, वो हमेशा आभासी उसमें बनता है। दो अवतल दर्पण में भी छठा केस में आभासी प्रतिबिंब बन सकता है कि नहीं? अवतल में भी छठा केस में आभासी प्रतिबिंब बनता है और उत्तल में भी हमेशा बनता है। एक मतलब चला तीनों दर्पण में आभासी प्रतिबिंब बन सकता है। क्या हम बोलेंगे? आंसर तीनों होगा, तीनों में आभासी प्रतिबिंब बन सकता है। समतल में तो ऑलवेज आभासी बनेगा, उत्तल दर्पण में हमेशा आभासी बनेगा, अवतल में कन्फ्यूजन है। चला अवतल में छः केस में पढ़े हैं उसमें पाँच केस में वास्तविक बनता है, एक छठा केस है मतलब अवतल में भी आभासी बन सकता है। इसका मतलब हमारा आंसर बोलेंगे तीनों में बन सकता है। क्या बोलेंगे जिला? यानी आंसर हो जाएगा डी आपका। क्या हो जाएगा बाबू? डी, तीनों दर्पण में अवतल समतल उत्तल तीनों। क्लियर है? आंसर क्या मारेंगे बोले डी। चलिए तीसरा हम देखेंगे। तीसरा बोला चला एक पिन छिद्र कैमरा है, पिन होल कैमरा किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? सरल रेखीय प्रसारण। क्या बोलेंगे? रेखीय प्रसारण पर। क्या इसका आंसर है? डी। देखिएगा प्रकाश के रेखीय प्रसारण पर कैमरा जो छिद्र होते हैं, कैमरा जो पिन छिद्र कैमरा होता है जिला, वो प्रकाश के रेखीय प्रसारण पर काम करता है। नहीं इसका भी आंसर क्या हो जाएगा बाबू? डी हम बात करते हैं। क्लियर? तीसरा भी हो गया डी न, सही नहीं जिला? अब देव यहाँ है फोर्थ में बोला गया बाबू कि वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है, आभासी बनता है लेकिन बड़ा पड़ रहा है, पूछ रही है बढ़िया क्वेश्चन ये। देखिए बोला चला वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है, आभासी प्रतिबिंब तीनों दर्पण में बनता है, समतल में भी बनता है, उत्तल में भी बनता है और अवतल दर्पण में भी बनता है, परंतु बड़ा पूछा है कि किस दर्पण में बड़ा बने आभासी बने? उत्तल दर्पण में। आपको याद होगा उत्तल दर्पण आंसर तो अवतल दर्पण है यार, हम ऑप्शन बता रहे हैं कि उत्तल दर्पण में आभासी बनता है परंतु हमेशा छोटा बनता है। क्या बनेगा? वस्तु से छोटा। अब और समतल दर्पण की अगर बात करते हैं तो आभासी बनता है परंतु वस्तु के बराबर बनता है। क्लियर? अवतल दर्पण में आपका आभासी भी बनता है और बड़ा बनता है, जो छठा केस है उसमें आभासी और बड़ा बनता है। क्लियर? तो एक आंसर होगा कि किस दर्पण में आभासी और बड़ा प्रतिबिंब बनेगा? तो अवतल दर्पण। क्या आंसर मारेंगे बाबू? अवतल कौन है? देखिए अवतल आपका हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा बाबू? अवतल दर्पण। क्लियर है? चलिए पचमा देखिए क्या बोला। पचमा बोला है किसी बिंदुवत स्रोत से, इधर थ्योरी है न्यूमेरिकल जो आएगा तो बनाएंगे, किसी बिंदुवत स्रोत से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद समांतर हो जाती है। क्या बोला है? जब कोई बिंदुवत स्रोत से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद समांतर हो सकता है, किस में समांतर हो सकता है? परावर्तन के बाद मतलब इधर से प्रकाश जाए और टकरा के जब आवे लौटे तब पैरेलल हो गए, तो इसमें क्या संभव? देखिए ऑप्शन देखिए चला, केवल अवतल दर्पण द्वारा। आप बताओ अवतल दर्पण में ऐसा हो सकता है? अरे अरे बोलो रे भाई, इधर सुनिए,
अवतल दर्पण नहीं हो सकता है। अवतल दर्पण में अगर मान लो फोकस पर अगर प्रकाश रखा जाए, कहीं कुछ नहीं बोला है कहाँ पर, खाली बोला है कि अगर किसी बिंदु से प्रकाश दिया जाए तो किस दर्पण के द्वारा आपका समांतर परावर्तन हो सकता है, तो अवतल के द्वारा हो सकता है बिल्कुल। अवतल दर्पण के अगर मान लो फोकस से प्रकाश दिया जाए तो परावर्तन के बाद नहीं समांतर हो जाएगा जिला, तो अवतल दर्पण के द्वारा संभव है। किसमें हो जाएगा बाबू? अवतल दर्पण। क्या हो जाएगा पहला? अन्य अवतल दर्पण। आंसर क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण, मतलब ऑप्शन ए है उसमें, इसलिए आंसर ही हम बोलें। क्लियर? जब एक वर्णी प्रकाश निर्वाध से किसी माध्यम में जाता है, क्या बोला है? एक वर्णी प्रकाश, एक वर्णी प्रकाश है निर्वाध से, निर्वाध मतलब खाली जगह, हवा भी मान लो जी, आइए निर्वाध मानते हैं, निर्वाध से किसी पदार्थिक माध्यम में, मतलब कोई माध्यम में जाता है जो जिसमें द्वारा मान होता है जला पदार्थिक कैमा पढ़ रहे हैं यार, सही तो है, किसी पदार्थिक माध्यम में जाता है तो प्रकाश पुंज का कौन सा अविलक्षणिक गुण नहीं बदलता? क्या बोला है कि बताइए, जब प्रकाश निर्वाध से चलकर किसी पदार्थिक माध्यम में, मतलब कोई माध्यम में जाता है चला, तो उसमें कौन सा गुण नहीं बदलेगा? आपको याद होगा बताए थे कि आवृत्ति होता है चला प्रकाश को, जो कोई भी अगर प्रकाश कोई भी रंग का प्रकाश लीजिए तो जो पहला माध्यम में उसकी आवृत्ति रहेगी वही उसका दूसरा माध्यम में, वही प्रकाश अगर जाएगा दूसरा माध्यम में तो उसकी आवृत्ति कभी नहीं बदलती है, मतलब जो आवृत्ति पहला माध्यम में रहेगा वही आवृत्ति कोई भी माध्यम में जाएंगे तो आवृत्ति कभी चेंज नहीं होती कोई भी प्रकाश किरण का। क्लियर? तो यानी कहने का मतलब इसमें आंसर होगा चला आवृत्ति दो, पहला वेग दिल है, वेग बदल जाता है, तीव्रता भी बदल जाएंगे, तरंग दैर्ध्य भी बदल जाएंगे, आवृत्ति नहीं बदलती है। क्या याद रखना है? प्रकाश में होता है बाबू कि जब एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम जाएंगे तो उसकी आवृत्ति नहीं बदलती है, तो आपका आवृत्ति यानी आंसर डी होगा। क्या हो जाएगा बाबू? आंसर क्या हो जाएगा बोलिए? आंसर डी। मर करवा बढ़िया नहीं चल रहा है, चला की गड़बड़ रे। चलिए छठा हो गया है, सतमा है, तालाब की तली कुछ ऊपर उठी प्रतीत होती, इसका कारण क्या? ये बताए थे ना, देखिए आपको सतानी दसवां लगे क्वेश्चन है, दसवां भी आप पढ़े थे कि कोई वस्तु, हम भी पढ़ाए इंटर में पते भी खींचला कि कोई बोला है, कोई अगर तली है तालाब या कोई भी तली होगा, तालाब की तली ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है, जो हम बताए थे कि बाल्टी वगैरह में अगर मानो पानी भरा हुआ उसमें अगर सिक्का कोई रखते हैं तो उठा हुआ हमें प्रतीत होता है, उठा हुआ लगता है, उठता है नहीं हमें प्रतीत होता है, मतलब लगता है कि उठा हुआ है, तो इसका क्या कारण है? अपवर्तन के कारण। ऐसा क्यों होता है चला अपवर्तन? ये तो दसवां भी पढ़े होंगे कि छड़ यानी पानी भरा बाल्टी में अगर कोई सीधी छड़ रखते हैं वो भी तिरछे में दिखाए, थोड़ा तिरछा मतलब होता है टूटा हुआ लगता है ना, नहीं झुका हुआ लगता है चला, ऐसा अपवर्तन के कारण पानी में भी उठा हुआ तल अगर कोई है तो वो अपवर्तन के कारण ऐसा लगता है, कि होता है ऐसा नहीं है लगता है। कह मैं चला सतमा किसके कारण हो जाएगा? बोलिए अपवर्तन के कारण। क्या बोलेंगे बाबू? तो अपवर्तन कहाँ पर है चला बताइए? आंसर है मतलब आंसर में अच्छा छूटा हुआ चला प्रकाश का, प्रकाश का करके मिटाया हुआ, तो जो भी होगा अपवर्तन यानी इसका आंसर होगा। क्या हो जाएगा बाबू? प्रकाश का अपवर्तन। क्या हो जाएगा बाबू? प्रकाश का अपवर्तन है, मिस्टेक मतलब मिटा हुआ शायद है ने, जो भी ऑप्शन सी शायद है ने, सी में दिया वहाँ पर प्रकाश का अपवर्तन कर दिया, बी में परावर्तन है। क्लियर? तो आंसर आने एक तरह से हम सी कर देंगे, कोई दिक्कत है? आठवां देखो चलो, एट्थ पढ़िए, बोला जला जल और कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 तथा 3/2 है, तो जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होगा? सुना नहीं कि बोलिए जल और कांच का अपवर्तनांक दिया हुआ, क्या दे ले रहे बाबू? ये आठवां है ने, तो अठवा दो जल का मतलब यू वाटर हम लोग लेते हैं, क्या लेते हैं जला? ये 4/3 दिया हुआ है, जल का 4/3 होता भी है कि नहीं, और कांच का म्यू जी ले लेते हैं ग्लास, इसका कितना जला 3/2 देल है, होता भी है ऐसे भी हम लोग लगभग इसको जानते हैं, तो जल का कांच के साथ क्या निकालना चला? जल का कांच के साथ निकालना है, जल का कांच के सापेक्ष, कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक इन निकालना चला, जल के कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक निकालना चला, पूरा लिख दिए तो क्या होता चला? दे जल का कांच के साथ बोले थे जल का अपवर्तनांक निकालना है कांच के सापेक्ष में, किसके सापेक्ष में? तो जिसके सापेक्ष बोला वो बट्टा में जाएगा, कहाँ जाएगा? बट्टा में। क्लियर है कि नहीं? जल का अपवर्तनांक निकालना है कांच की तुलना में, तो जल का ऊपर जाएगा, म्यू वाटर कहाँ जाएगा बोलिए? ऊपर। और किसके सापेक्ष में बताओ? यहाँ पर कांच के सापेक्ष में, कांच का अपवर्तनांक कहाँ जाएगा? नीचे जाएगा, जिसके सापेक्ष बोलेगा बाबू वो आपका बट्टा में आ जाएगा, इतना ध्यान दीजिएगा। म्यू वाटर का मान रख दे 4/3 हैं, और म्यू जी का मान 3/2 हो जाएगा, तो डायकर्द में ऊपर जाएगा 2, 4 × 3 नीचे आएगा 8/9, ये आ जाएगा आपका क्या भाई? जल के सापेक्ष, मतलब इसका आंसर देख ले कौन होगा, देख लीजिए आठवा का, आठवा का क्या हो जाएगा? चल 8/9, देखिए 9/8 और 8/9 ध्यान दीजिएगा, अगर ये उलट के पूछ दे कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक तो 9/8 आ जाएगा, अगर उलट के पूछ देगा तो उलट के आंसर भी आ जाएगा 8/8/9 के माए, देख लीजिए आपका लिख देता ऑप्शन 8/9 डी है, क्या रे चला? नहीं डी है आपका आंसर। चलिए नौवां देखो,
हाँ, नौमा बोला इन बाबू, पूर्णाधिक परावर्तन के लिए क्रांति कोण अधिकतम होगा जबकि किरण जाती है। सुनिए कि बोले पूर्णाधिक परावर्तन कुछ है आइडिया? बोला है जिला पूर्णाधिक परावर्तन के लिए क्रांति कोण अधिकतम होगा। क्रांति कोण अधिकतम होगा मतलब क्रांति कोण से ज्यादा रहता है तब पूर्णाधिक परावर्तन होगा। चला तब पूर्णाधिक परावर्तन के लिए कहाँ पर क्रांति कोण ज्यादा होगा मतलब कहाँ पर, याद थोड़ा कीजिए दो। चला क्रांति कोण क्या होता है कि सघन माध्यम में आपतन कोण का वहाँ पर है जहाँ पर अपवर्तन कोण 90 हो जाए। तो क्रांति कोण ज़्यादा होने के लिए चला मतलब कहेंगे मतलब अपवर्तन कोण जितना ज़्यादा यानी आपतन कोण का इतना मान बढ़ाइए ताकि 90 डिग्री अपवर्तन कोण बहुत देरी में पहुँचे। आया समझ में? तब किसके लिए बोला क्रांति कोण का मान ज़्यादा हो, ज़्यादा हो मतलब कहेंगे मतलब अपवर्तन कोण 90 डिग्री बड़ी देरी में हो गए। क्लियर है कि नहीं? आपतन कोण का मान बढ़ते बढ़ते जाएंगे चला, तो अपवर्तन कोण का मान बढ़ते बढ़ते जब 90 आएगा तभी ना क्रांति कोण होता चला। तो कहाँ पर आप बताइए कि आपतन कोण कहाँ पर ज़्यादा होगा ताकि अपवर्तन कोण देरी में 90 डिग्री पहुँचे, है कि नहीं? तो देखते हैं कहाँ पर आपका माध्यम दिल है, पेयर दिल होगा, है कि नहीं? जोड़ा दिल नहीं रहेगा चला। तो कांच से पानी में मान लिया जाए सुरम थोड़ा कांच और पानी है, कौन है चला? बोलिए देखिए थोड़ा फिगर में हम समझाते चला कि मान लिया जाए थोड़ा, मान लो ऊपर में विरल माध्यम, क्या माध्यम मानते हैं बताइए? विरल माध्यम मान लिया जाए इसको, और नीचे वाला क्या मानते हैं? सघन माध्यम। समझ लिए, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखिए चला इसको हम अभी नॉर्मल लेते, क्या ले रहे हैं? तब बोले बाबू देख क्रांति कोण होता क्या कि आपतन कोण यहाँ से जब आपतित किरण करवाइएगा चला तो यहाँ पर अपवर्तन कोण हुआ इससे हो जाएगा, तो यहाँ पर अपवर्तन कोण कितना होगा? 90 डिग्री। तो यहाँ पर जो आपतन कोण होता है उसी को हम लोग क्रिएट कर लेंगे कहते हैं। क्लियर है कि नहीं? आप बोल रहे हैं बाबू कि कौन सा दो यानी देखिए सघन विरल रहेगा तब सघन से प्रकाश विरल में जाएगा तभी क्रांति कोण भी संभव है, पूर्णाधिक परावर्तन भी तभी संभव है। क्लियर है कि नहीं? तो कह रहा है किसके लिए ज़्यादा होना चाहिए, एक मतलब नहीं बराबर ध्यान दो मतलब चिला ही मानो प्रकाश सघन से विरल में जाता है तो अभिलंब से क्या होता है? दूर भागते हैं। समझ लेना मेन पॉइंट, सघन से जब विरल में जाएंगे तो क्या होगा? अभिलंब से दूर मुड़ेंगे। तो कहने मतलब चिला जितना आसान विरल माध्यम होगा चला उतने जल्दी 90 पर आएगा। क्या बोले हैं? जितने ज़्यादा विरल माध्यम निर्वात अगर रहेगा तो सबसे कम क्रांति कोण पानी कहीं मतलब बहुत कम कोण पर आपका क्रांति कोण कम ही होगा। क्लियर है? तो कहने मतलब विरल जितना आसान होगा उतना हमें सुविधा होगा, उतने जल्दी मतलब अपवर्तन कोण 90 डिग्री आ जाएंगे। तो हमारा देखिए चला आपको चार ऑप्शन में तीन को में विरल माध्यम हवा दो कांच से वायु में, तो कांच मतलब सघन है वायु है तो वायु में आसानी से मतलब तुरंत 90 डिग्री पर आ जाएगा मतलब वहाँ पर क्रांति कोण कम आएगा। क्लियर है? उसी प्रकार हीरा से वायु में, विरल माध्यम वायु है, वायु मतलब निर्वात के रूप में आइजे मानकर चलिए, तो कहीं मतलब इधर आपका जिला क्रांति कोण बिल्कुल कम आएगा पानी से वायु, विरल माध्यम जो जो वायु वो नहीं होगा। अब देखो क्या है जिला पहला में कांच से पानी में, जैसे पानी इधर आएगा जिला इधर क्या बोलो कांच है ना, देख लो कांच है पानी है तो पानी में जिला कम मुड़ेगा, अभिलंब से कम जाएगा, विरल में जाएगा जितना विरल माध्यम रहेगा उतना आसानी से मुड़ जाता है तो अभिलंब से कम दूर मुड़ेंगे। तो अगर मतलब कांच से पानी में जाएगा तो वहाँ पर क्रांति कोण का मान ज़्यादा होगा तब उसका अपवर्तन कोण 90 पर पहुँचेगा। क्लियर? तो इसलिए हमारा ऑप्शन कौन होगा? कांच से पानी। यानी समझ जाना कि निर्वात छोड़ दो वायु सम्य है तो वायु तो आसान होगा तुरंत ही पहुँच जाएगा, नहीं कहने मतलब अपवर्तन कोण 90 डिग्री, लेकिन वायु छोड़ के दूसरा माध्यम अगर विरल माध्यम के रूप में है तो वहाँ पर क्रांति कोण आपका सबसे ज़्यादा आने का चांस रहता है। क्लियर है कि नहीं? तो हमारा कौन ऑप्शन होगा? पानी यानी वाटर टू क्या है यानी सॉरी ग्लास टू वाटर कौन होगा चला, यानी आपका हो गया ग्लास टू वाटर मतलब ए हो गया ऑप्शन, मतलब कांच से पानी में जाएगा तब क्रांति कोण सबसे ज़्यादा होगा। क्लियर है? चलिए यहाँ तक हो गया चला। अब बन गए लेने दादू आगे बनाए पढ़िए दसवां क्या बोला है। चलिए दसवां क्या है बताइए भाई। दसवां नहीं ठीक है रे दसवां। चलिए क्रांति कोण सघन माध्यम में आपतन कोण है यानी क्या है जिला क्रांति कोण सघन माध्यम में वह आपतन कोण है, वो जगह मिस्टेक खोले आपतन कोण है जिसके संगत विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 डिग्री होते हैं। ये तो डायरेक्ट परिभाषा एक तरह ने जिला क्या बोले कि आपतन क्रांति कोण सघन माध्यम में वह आपतन कोण है जहां पर विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 डिग्री होते हैं। तो आंसर कौन होगा? 90 डिग्री। कौन होगा? 90 जहां पर हो जाएगा अपवर्तन कोण वहीं पर आपतन कोण वही आपतन कोण क्रांति कोण कहलाएगा। तो दसवां का डायरेक्ट क्या हो जाएगा? सी 90 डिग्री। ना सही बात है कि नहीं बताओ? हैं विश्वास है ना इतना? चलिए विश्वास रहना चाहिए। चलिए अगला है, अगला बोला गया है एक पारदर्शी माध्यम में चलने वाले प्रकाश की किरण माध्यम को वायु से पृथक करने वाले तल पर 45 डिग्री के आपतन कोण पर गिरती है पड़ती है आपतित होती है, बात क्या बराबर लगभग है? सुन लीजिए एक पारदर्शी माध्यम है, पारदर्शी माध्यम प्रकाश चलते हैं चलो ठीक बढ़िया बात है, चलने वाली प्रकाश की किरण माध्यम को वायु से पृथक करने पर, वायु से मतलब वायु कर मतलब दूसरा माध्यम वायु है नहीं जलता उसको पृथक कर रहा है रे, पृथक करने वाले तल पर
समझ गया है। मान लो ऊपर में, मान लो पहला माध्यम सघन माध्यम, दूसरा मान लो विरल है वायु है, यानी विरल माध्यम क्या है, दूसरा हवा है। उसको पृथक करने वाले तल पर, मतलब जो इंटरफेस सर्फेस होता है, वहाँ पर उसका कुन्ना है आपतन कुंजला 45 डिग्री आपतन कोण पर गिरती है, तो किरण पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। सुना नहीं थू थू लो, 45 डिग्री पर जो प्रकाश पड़ता है अंजला, तो उसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। एक मतलब जो 45 डिग्री कोण है वो आपका क्रांति कोण से ज़्यादा नहीं वैल्यू दिया हुआ है, आया समझ में, क्रांति कोण से ज़्यादा है। मतलब क्रांति कोण, यानी कहेंगे मतलब इसका क्रांति कोण 45 से कम होगा, नहीं चला आप, यानी 45 तो दे लो, वहाँ पर पूर्णांतिक परावर्तन हो जाता है, लेकिन मतलब वहाँ पर क्रांति कोण उससे कम होगा। कहे क्रांति कोण पर हमें फार्मूला है, पूर्णांतिक परावर्तन पर कोई फार्मूला नहीं है। कहने का मतलब हुआ आपतन पर गिरती है तो इस किरण पूर्णांतिक परावर्तन हो जाता है, मतलब 45 डिग्री पर पूर्णांतिक परावर्तन हो जाता है। यदि माध्यम का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक n हो, माध्यम का जो माध्यम है पारदर्शी माध्यम में जो प्रकाश चल रहे हैं जला, उसके बाद ना हवा में जाएगा रे, तो ना पूर्णांतिक परावर्तन हो रहा है, तो उसका अपवर्तनांक n है, तो निम्न में से n के एक या अधिक मान संभव है, तब बताइए n का मान क्या होगा। की बोल लिए n का मान लाने अपवर्तनांक, फिर हम लोग म्यू लेते हैं, यहाँ पर n लिया गया, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा समझ लीजिए। बोले न बाबू, n मान लो कोई माध्यम है पारदर्शी माध्यम, सघन माध्यम ले लो, पारदर्शी लिख लो, पारदर्शी लिख देना तो सही रहते। n मान लो कोई माध्यम है जेकर अपवर्तनांक n दे दिया, क्या दिया है, हम लोग म्यू ले लिए, कोई दिक्कत होता है, क्या म्यू भी हम लोग लेते हैं। ऊपर माध्यम में क्या चला, एयर है, सुने नहीं, एयर का अपवर्तनांक 1 होता है, और यहाँ पर चला, बोला है ना चला कि 45 डिग्री कोण पर जब प्रकाश आपतित होते हैं भाई, तो उसका पूर्णांतिक परावर्तन हो जाता है, क्यों हो वो चला क्या होता है, पूर्णांतिक परावर्तन हो जाएगा, कितना डिग्री पर, 45 डिग्री पर। एक मतलब चला, आपको याद होगा बताए हैं कि काच का जो कर मतलब काच का जो चला जो क्रांति कोण होता है 42 डिग्री होता है, कितना होता है 42। आपको पूर्ण परावर्तक क्रिया में बताएं चला कि काच का जो क्रांति कोण 42 डिग्री होता है, उसमें उसका प्रथम 1.5 होता है, और आपको ये भी देखें कि 45 डिग्री कोण पर उसमें पूर्णांतिक परावर्तन होता है चला। एक मतलब ये जो माध्यम वो काच है, कौन है बोलिए, काच है, इसीलिए चला आप काच इसका 42 डिग्री अपवर्तन कोण दे, इससे कम होगा क्रांति कोण, ग्रांटेड है, क्या 45 पर तो पूर्णांतिक परावर्तन नहीं हो रहा है रे, लेकिन मतलब क्रांति कोण उससे कम होगा, तो कम होगा एक मतलब चला, हम जानते हैं कि काच का क्रांति कोण 42 डिग्री होता है, इसीलिए चला यहाँ जो पारदर्शी माध्यम है वह जो काच होगा, क्या होगा बोलिए, काच, और काच का अपवर्तन कितना 1.5। आप 42 डिग्री पर निकालेंगे, नहीं निकाल चुके हैं पहले भी कि काच का 42 डिग्री पर क्रांति यानी अपवर्तन जब अपवर्तनांक 1.5 होता है चला, तो वहाँ पर 42 डिग्री आता है, और उसका पूर्णांतिक परावर्तन भी पूर्ण परावर्तक प्रिज में आपको दिखाएं कि उसका यानी पूर्णांतिक परावर्तन 45 डिग्री के कोण पर संभव है, इसीलिए कर मतलब चला म्यू का मान जो होगा 1.5 होगा, कितना होगा अपवर्तनांक चला, एज ग्लास किसके रूप में, एज ग्लास, क्लियर है चला, मतलब आपका आंसर 1.5 हो जाएगा चला, काय और उधर नहीं है 1.5, कैमा होता है आंसर चला, माने सी, आंसर इज सी ना, चलिए बर्मा बनाओ, 20 को बंद है आज, 20 से एक बरोज बनाना है, हो बापा, बीसवा डाय कर दिए, अरे नहीं डायक 20वां पंचवे किन बतिया, 20वां तक बन गए, चलिए 12 है चला, किस किरण का, ओहो किस कारण वायु का बुलबुला, वायु का, हवा का बुलबुला पानी में चमकीला दिखाई देता है, बिल्कुल बता चुके हैं, पढ़ा चुके हैं, समझा चुके हैं कि पूर्णांतिक परावर्तन के कारण ऐसा होता है कि पानी में बुलबुला चमकीला दिखाई देगा, कौन आंसर होगा डायरेक्ट आंसर मानिए, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, किसका होगा पूर्णांतिक परावर्तन, आंसर इज द सी, क्लियर, क्या हो जाए 13 चल जाइए, यदि काच वायु का क्रांति कोण थीटा हो, क्या हो, काच और वायु के बीच का क्रांति कोण थीटा हो, तो वायु को काच का अपवर्तनांक बताए थे चला कि अगर क्रांति कोण थीटा है तो आपको याद होगा साइन थीटा और 1/μ होता है, क्या होता है रे बाबू, तो इसीलिए म्यू बरा वायु के लिए है, तो 1/sin θ, तो आंसर 1/sin θ होगा, इसी को था कौशिक थीटा आंसर जो रहेगा आपका, ये कई एक बार पूछा हुआ, इसको हम बता भी चुके हैं कि कई एक बार पूछा जा चुका, आंसर कौन होगा कौशिक थीटा था, 1/sin θ नहीं, आंसर 1/sin नहीं दिले कौशिक, मतलब बी नहीं, नहीं बढ़िया गोजन है, हमको तो बड़ी बढ़िया लग रहा है, गौर ना रहे तुम कि गौर ना रहे कि नहीं, झल झल है तब ना, 14 की है, 14 ये सब क्वेश्चन आप पसंद कर मजा आता ना, हाँ पूछिएगा तुम, कर कर आएगा तुम, चिल्लाएगा तुम परीक्षा में लगवा दे नरिये तो तुम, 14 हम पढ़ी चला, बोला है 14 में 1.5 अपवर्तनांक वाले कांच का प्रिज्म अच्छा जल में मतलब पानी में, कि जल बोलते हैं शुद्ध में,
जल, पूजा पाठ में जल ही बोलते हैं, जल में डुबो दिया जाता है, क्या करते हैं जल का अपर्दान दे दिया है, किसमें की गह रहे काज का, फ्रिज में गए, फ्रिज में नहीं किसने दे दिया यार, अच्छा दे दिया तो कोई दिक्कत है, प्रकाश की एक किरण इसके मिटाल रे इसके ये भी परलंबवत गिरते, अभिलंब गिरते, समझ में आ रहा है क्वेश्चन गड़बड़ा रहा है नहीं जला, पर पूर्ण परावर्तित होकर फिर एसी पर पहुँचते हैं, ये क्वेश्चन मनो मिटा लो ना, खोजे जाते बताइए, इतना अप्रदान वाले मतलब क्वेश्चन मिटा लो चला, मतलब टाइपिंग वाले अब ध्यानों ने पढ़े पर साल इन साल पढ़ाए ना कि याद हो जाए भैर देते, इतना अप्रदान वाले काज का प्रेम जल में इतना डुबा दिया जाता है तो प्रकाश की किरण इसके ये भी पर अभिलंब गिरती है पर पूर्ण परावर्तित होकर पृष्ठ एसी पर पहुँचेंगी, तो यानी कहने वाले क्वेश्चन में ना ये जब कुछ नहीं लिखा दूसरे गड़बड़ा गया चला, यानी क्वेश्चन याद भी नहीं है देव आगे मिस्टेक्स लगता पड़ेगा क्या, अभी प्रिज वाला क्वेश्चन इसको नहीं यहाँ डालना चाहिए कहने साहब पता नहीं कि, चलिए 14 रहने दिए, मतलब क्वेश्चन ये नहीं प्रिंट गड़बड़ हो रहा है 15 माँ देख लेंगे क्वेश्चन कोई गड़बड़ नहीं चला, मतलब क्वेश्चन में आधा है तो बड़े मुश्किल है, मतलब 14 माँ कोई गड़बड़ नहीं है ठीक, चलिए एक उत्तर ऐसे एक क्वेश्चन डायरेक्ट बना रहे हैं चला, मतलब इस बार मतलब पहली बार बहुत दिन नहीं बोले थे कि मेरा असाइनमेंट भी नहीं था डायरेक्ट मिला है तो इसलिए अधियो नहीं पढ़ रहा है, अधियो पढ़ दल पड़ती तो थोड़ा ध्यान होने पिछला साल के बनवा डायरेक्ट बना रहे आज, चलिए मतलब क्वेश्चन मिला के बना देंगे कि नहीं, चलिए 15 हम हाथ लगाते हैं कि जला, चलिए एक उत्तल ने उपराध को काले रंग से रंग दिया जाता है तो ये डायरेक्ट थ्योरी चला, उसके बाद बनने वाला प्रतिबिंब क्या क्या हो जाएगा चेला, चेला तीव्रता कम हो जाएगी, क्या हो जाएगी चेला तीव्रता कम हो जाएगी नहीं ठीक है ना सर डायरेक्ट है कि नहीं, आकार बढ़ेगा आकार तीव्रता कम हो जाएगी, क्या देखो चला बोला नहीं कि अगर मानो काले रंग से उत्तल लेंस को रंग दिया जाएगा तो उतना ब्राइटनेस हमारा इमेज नहीं बनेगा, मतलब उसकी तीव्रता क्या घट जाएगी, क्या हो जाएगी बाबू प्रतिबिंब की तीव्रता घट जाएंगे, मतलब क्या हो जाएगा 15 का हो जाएगा, 15 का कहाँ गया 15 सी हो गया, सी से काइट ना, हाँ सी से काइट बढ़िया, पहले हम नहीं समझो लीसो या इससे काय को जन्म कर दिया, अरे नहीं रहा ये कर दिया, मतलब ये लिख रहा दूसरा, मतलब क्या बोले क्यों कोई टाइपिंग करता होगा तो हिंदी उन्दी नहीं आता, वाट 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 लिखा गया इसलिए दिक्कत है, एमा भी दिक्कत है बहुत गड़बड़ हो जाता है, उसमें दिक्कत नहीं होता चला देखना, मतलब टाइपिंग में गड़बड़ है देख लिए नहीं, चलो देखिए अगर पढ़ जाता क्वेश्चन देखते हैं, 16 में बोला गया है वक्रता त्रिज्या आर का एक गोली लेंस, अंदाज लगता है नहीं वक्रता त्रिज्या वाले गोली लेंस वायु नहीं रे गोली सतह होगा चला, ये जो सतह है तो नहीं रे देख लेंगे वही अजा लिखा है, अच्छा गोली सतह वायु को कांच से पृथक करता, हाँ बढ़िया बात है, गोली सतह होगा चला जो यानी हवा है और ये अपना अपना बोले कांच को अलग करता है क्लियर, वक्रता केंद्र कांच में है मतलब वैसे है नहीं चला सही बात है, वायु में स्थित एक बिंदुवत वस्तु पी का कांच में वास्तविक प्रतिमा आई पर बनता है रेखा और बात की रे रेखा देवी भी कुछ ठीक रहता ना कुछ नहीं रहे चलो छोड़ दें, रेखा करें उस बिंदु ओ पर काटती है ओ पी और ओ आई दूरी पी और दूरी, चलो हम इसको क्वेश्चन अलग से हमको क्वेश्चन याद है मतलब क्वेश्चन गड़बड़ है, मतलब बोला गया चला मतलब एक गोलीय सतह ही बनाते हैं इसको गोलीय सतह चला जो आपका धसा हुआ भाग ऐसा गोलीय सतह सुनिए बन जी तो यानी गोलीय सतह से आप बर्तन पढ़ने अरे पढ़ाने की नहीं हो पढ़ने तो बोलने पढ़ा लिए ठीक है कैमा है पढ़नी हाँ तब तो भगवान करे बढ़िया बात है, सोलह चला बोला ना चला बाबू क्या बोला है ये चला बाबू के उत्तर सतह ऐसा है चला जो एन एयर हो क्या दिया बाबू एयर अप्रदान 1 है आ इधर आपका कांच दे दिया है एक अप्रदान क्या 1.5 दे दिया क्लियर है आपको याद होगा कि बोला है कि बोला ना चला हम क्वेश्चन कम आंसर नहीं क्वेश्चन समझिए यहाँ पर कोई वस्तु रखा जाता है चला तो बोला है अगर वो बिंदु पर रखा जाता है या आपका पिप ले लिया धूर तो आई पर प्रतिबिंब बनता है सुना नहीं कि बोले चला बोलो सुना नहीं तो नहीं साहब क्वेश्चन में बोलो अरे तो नहीं कैसे सुना चला चलिए हमरा बोलता है हमको बोलेगा रोज भिन सर उठ के तब बोला है नहीं बात बोला चला कि बताइए चला इसकी वक्रता त्रिज्या किधर है कांच देने है मतलब वो उत्तर सतह से अपर तुम्हारा फॉर्मूला लगेगा आई बोला चला ये दूरी जो दोनों बराबरी हो ये मेन बोला ओ पी और पी आई बोला चला तो दूरी की बोल रहे की बोल रहे चला बराबर बोल रहे ठीक बराबर बोला है ठीक है और वक्रता त्रिज्या आर दे दिया की दिया चला आर है तब बताना है ये है दूरी निकालना है दोनों बल एक्स का मान दोनों दूरी बताइए क्लियर है ने तो गोलीय सतह से अपर्तन के फॉर्मूला याद हो नहीं याद होते कि कोई दिक्कत नहीं याद रहने कोई बड़ी बात है कि नहीं याद हो कोई दिक्कत नहीं कैसे बंद है चला कुछ कुछ बताए हल्का सा हिंट कर बस हम बना दो ठीक तो नहीं हिंट खाली कर फिर उन्हें हमारे मैथवा ठीक हो आपको याद होगा फार्मूला होता है
तोरा आध हो तो हमें भी नोट डेट लिख दे, मतलब तोरो आधे हमरो आधे की सही बात है कि नहीं। क्या होता है याद है गोलिए सतह से बर्तन का भरण नहीं याद है, टेंशन नहीं लेना है। क्या होता है हम बताते हैं, मी टू वाई भी माइनस मी वन वाई यू बड़ा होता है मी टू माइनस मी वन वाई आर। आर दे दिया है, देखिए क्वेश्चन में आर दिया हुआ है, मी टू का मानी हो जाएगी चला ये मी वन कौन माध्यम है चला आई आपका मी टू है। क्लियर समझ में इतना हाँ कि भगवान नंदन दिमाग देवे के लिए कम बेसी की आर दे बकरा देख ले मिला जुला आर दे कि नहीं रे हाँ आर दे। क्लियर तब दो चला मी टू का मान क्या रखें बोलिए फटाफट 1.5। वी का मान वी मतलब प्रतिबिंब तो एहन प्रतिबिंब भी होता है इसको यू लेते हैं क्या लेते हैं चला इसको क्या लेते हैं बोलिए वी तो वी बराबर अगर चिन्ह परिपाटी प्रयोग करें तो वी का मान प्लस होगा एक्स क्या हो जाएगा बोलिए। अरे वी का मान आपतित कोण की दिशा में प्लस नहीं एक्स होगा रे माइनस। मी वन का मान कितना है हवा का बोल जल्दी वन। यू का मान क्या यू इधर है मतलब आपतित कोण के विपरीत दिशा में तहाँ लेफ्ट साइड बोलेंगे माइनस एक्स क्या हो जाएगा चला। म्यू टू का मान 1.5 माइनस वन आर के आर दे कैलकुलेशन करें आंसर आई थे एक से लघुत्तम ले मैं आए 1.5 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस वन बराबर क्या बचेगा बोलो डेढ़ में एक लेकिन आधा बचेगा ना सही बात है कि नहीं। और डेढ़ एक कितना अढ़ाई हो जाएगा चला अढ़ाई जुड़े जाना है कि नहीं चले जाना है तो कोई दिक्कत नहीं। अब की करना चला हमें एक से निकालना है कट पुट कर दिए डायरेक्ट करिए कि नहीं हिम्मत काम करो ईमानी आधा या अढ़ाई कैसे कर दिए चला पाँच से अढ़ाई पचे कितना बढ़ा पाँच अढ़ा नहीं ना चलो ठीक है कट गए बेस है कोई दिक्कत नहीं पाँच कट गए। अब क्या करना चला हमें एक तिरछे गुना करो एक्स वर्ग कितना आ गया फाइव वर्ग तिरछे गुना उना कर दे मैं मने मनम कर देखिए इधर ही गया इधर ही गया यहाँ वन यहाँ आंसर से आंसर कौन मिल गए ए आ गए ने आंसर आ गए ने आ गए तो नाश्ता पानी दे दे कि कैमा छठ 16 है रे कैमा चला 16 के आंसर आ गए तो इसको नाश्ता मिल गया ए कि मिल गया। चलिए अब जल्दी 20 तक जरूर करना है मिटा दिए ने ओह हाँ हाँ बढ़िया लग रहा ठीक लगो कि नहीं मीठा लगो एकदम कैमा 17 चला। चलिए हमरो बढ़िया लग रो कांच के एक उभयोत्तल लेंस के प्रत्येक वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर की दिला चला प्रत्येक वक्रता त्रिज्या मतलब आर वन आर टू 20 दिया हुआ है लेंस के अक्ष से कहाँ गए रे बाबू लेंस के अक्ष से समांतर आपतित प्रकाश की किरणें एल सेंटीमीटर दूरी पर अभिसरित होंगे आ सुनी कि बोला है कुछ ही बोला बोला एक उत्तल लेंस है चला जेकर वक्रता त्रिज्या दिन होने 20 सेंटीमीटर प्रत्येक वक्रता कितना देर 20 दिया हुआ है तो बोला अगर उस पर समानांतर किरण दिए यानी समानांतर किरण जब उस पर दिया जाता है तो एल बिंदु पर जमा होता है एक मतलब एल बिंदु फोकस होगा क्यों होगा फोकस पर नहीं रे। अरे यार बुतरू जान रहे हैं कि जब जो भी प्रकार के समानांतर है वो फोकस पर जमा होता है कि ये तो अच्छा मतलब फोकस निकालना क्या निकालना यानी एल है जो फोकस दूरी आर वन उत्तल लेंस ने हो तो आर वन उत्तल लेंस ऐसे ही होता है बोलिए फटाफट तो नहीं बोलता है रे भाई और आर वन हो गया आर वन इधर होगा प्लस में जाएगा आर टू इधर होगा माइनस में जाएगा क्लियर। आर वन का मान प्लस होता है उत्तल लेंस में आर टू का मान माइनस लेना है यानी आर वन कितना होगा दोनों 20 नहीं चला तब प्लस भी लीजिएगा दोनों बराबर है आर टू का मान कितना होगा माइनस 20 क्लियर है। और अपर्तना कर दे ले रे हाँ देले ब्रैकेट में म्यू का मान कितना बोले 1.5 दे ले क्या निकालना है फोकस दूरी मतलब एल मतलब फोकस एल निकालना मतलब क्या निकालना है बोल जल्दी फोकस एल पर जमा होता है मतलब एल पर मिलता है मतलब फोकस पर मिलता है उत्तल लेंस पर को भी जब समानांतर किरण आपतित होती है तब फोकस पर जाकर जमा होता है एकत्रित। हाँ चलिए चलिए क्या लगाना है बोलो चला लेंस मेकर फॉर्मूला याद है कि नहीं कोई दिक्कत नहीं याद है तो हम बता देते हैं कि है वी नो दैट बोलिए 1/f बराबर मी माइनस वन 1/r1 माइनस 1/r2 सही बात है कि नहीं एकदम पूरा विश्वास हमरा पर ने चलो एफ निकालना एफ के जब एल रख दे एल दे चला कोई दिक्कत है चला म्यू का मान बोले फटाफट डेढ़ कितना दिले डेढ़ में एक गले कितना बजे चला आर वन कितना बोलिए 20 आर टू कितना बोलिए माइनस 20 क्लियर है 1/l बताओ डेढ़ में एक गले कितना बजे आधा आधा लघुत्तम कितना 20 × 20 1 माने माने प्लस सही बात है रे बोलिए आधा देख रहा 5/10 लिख दे तो अनुसार कितना होगा 2/20 हो जाएगा सही बात है कटता है कुछ है कटेगा सा आए 5 × 10 दो कट गया एल बार आ गया ऊपर नीचे बदल दे मैं एल बार 20 सेमी कितना आ गया चला हाँ आंसर कितना हो जाएगा आप चलिए बना ले आंसर मिल जाएगा हम गोल कर लेते हम आंसर कि चलिए फटाफट अभी कैमरा बच रही चला हाँ हाँ 18 है न चलिए 18वां देखिए चला जब किसी उत्तल लेंस जिसका अपर्तनांक 1/5 फोकस दूरी एफ है कोई दिक्कत नहीं को जल में डुबाया जाता है तो उसकी फोकस दूरी 4 गुनी हो जाती है प्रूव करके बताए हैं तो लोग जब किसी भी लेंस को जब पानी में डुबाया जाएगा उसकी फोकस दूरी अगर पानी का अपर्तनांक 4/3 रहेगा तो 4 गुना हो जाता है आपको नोट में प्रूव करके बता चुके हैं यानी फोकस दूरी बढ़ जाए क्यों वो है पानी में डुबाने पर उसकी फोकस बढ़ जाती है कितना 4 गुना कई गुना 4 गुना अगर अपर्तनांक इसका वैल्यू दे लगा सही है तो कितना होगा बढ़ जाएगी अगर मतलब क्यों 18 के
कैमा बोले बढ़ गए कहने लगे कैमा है रे 18 कैमा है बढ़ गए कि नहीं यार ए है एब से बड़ी होते हैं सही बात है कि नहीं 18 यानी बड़ी हो तो जे भी रहो तो चलो चलो बड़ी हो कौन आंसर हो जाएगा 19 पाँच मिनट दुख बनाना है कांच के उत्तोलन को जब जल में डुबाया जाता तो यह हो जाता है क्या चला अब ये बदलिए यानी कांच के एक अवतल लेंस को जब डल में जुबाया जाए अवतल लेंस मतलब क्यों होता है चला अवतल के फिगर बना ले फट सना जो कहाँ कन्फ्यूजन रहे ई लेंस है चला अब इस पर क्या होता है चला जब इस पर प्रकाश दिया जाए मैंने आपतित करा अवतल लेंस के बारे में तो ये प्रकाश किरण को फैलाता है अपसरित करता है क्या करेगा चला जल्दी बोलिए अब इसको डल में रख दिया जल में डुबा दिया तब क्या होगा चला कि हवा ले तो ज़्यादा फैल के चला इधर से गया हवा अब अगर जल है तो कम फैलाएगा क्या करेगा कम नहीं अरे तो चला हवा में फैल गया लेकिन अब जब पानी रहेगा कोई दूसरा कुछ दे लेंगे पानी में डुबाएगा चला तो कम अभिसरित हो जाएगा क्या अपसरित कम अपसरित क्या हो जाएगा कम अपसरित अगर आंसर सुधार कैमा 19वां है चला आप आंसर सी में सुधारिए कम अपसरित हो जाता है सी सुधार लीजिए यानी अपसरित कम होगा आंसर आपको सुधारना पड़ेगा कम अपसरित होते हैं क्या हो जाएगा चला कम अपसरित अपसरित करते हैं अपसरित हो अभी सरित लिखा ले चला अपसरित कम अपसरित करेगा ठीक चलिए उन्हें इसको भी बीसवा पढ़िए कांच है जिसका अपवर्तनांक एन माना गया है कि उत्तल से L1 अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबा गया चलो डुबा दिया की दिक्कत है डुबाइए तो नहीं तो हम डुबाते हैं अब यदि प्रकाश का समांतर किरण पुंज लेंस से गुजरने के बाद अपसारित हो जाता है क्यों होता चला अपसारित मतलब फैला देता है सुनने के ना बड़ा समस्या हुआ उत्तल लेंस था उत्तल लेंस ने दिला उत्तल है कि उत्तल लेंस है जगह अपवर्तनांक एन है लेकिन उसको जब कोई दूसरा माध्यम में डुबाते हैं चला N1 अपवर्तनांक वाला तो क्या हो जाता है अपसारित कर देता है क्या होता है चला अपसारित मतलब उत्तल लेंस पर प्रकाश किरण मुड़ता नहीं रे जनरली लेकिन जब कोई माध्यम में डुबा दिया देखो उत्तल लेंस के बारे में समझ लो देखो चला बोला है बाबू जनरली क्या होता चला कि जब इधर शीशा होता है समझ लो अब बाहर में हवा अगर होते हैं तो ये उत्तल लेंस प्रकाश किरण को एक बिंदु पर जमा करता है की करता है चला जमा कर देता है की करो एक बिंदु पर ले आता है लेकिन चला बोला है ना तो ये होता है अभिसरित करना इसको हम लोग बोलते हैं अभिसरित करना लेकिन उत्तल लेंस क्या करता है जमा नहीं करता अपसारित कर देता है क्या करता है चला मतलब फैला देगा तेकर मतलब चला कि जब शीशा और हवा रहता है शीशा सघन है जब विरल माध्यम होता है तो जमा करता है एक फैला दे रहा मतलब विरल माध्यम के उल्टा ही माध्यम होगा अरे उल्टा होगा अरे विरल माध्यम मतलब सघन होगा क्या हो जाएगा मतलब लेंस के तुलना में सघन माध्यम होगा तभी ऐसा संभव है विरल में तो जमा कर देता कि अभी फैला रहा है एक मतलब लेंस के तुलना में जो माध्यम होगा वो आपका सघन होगा सघन होना मतलब एक अपवर्तनांक अगर N1 है चला इसका लेंस का अपवर्तनांक कितना बोला N है इसका अपवर्तनांक N1 है एक मतलब चला कि आपका N1 जो होगा वो ग्रेटर देन N होगा का मतलब सघन माध्यम होगा मतलब अपवर्तनांक ज्यादा होगा रे मतलब ऐसा नहीं करता जब ये माध्यम डुबाया जाता है चला तो मानो ऐसे हो जाता की कर देता चला ऐसे की कर दे चला अपसरित इसका मतलब हो गया कि N1 ग्रेटर देन N होगा यानी कहने मतलब सघन माध्यम होगा लेंस के तुलना में कि यहीं पर जय हिंद करते हैं छठा सना 20 क्वेश्चन बनाए ठीक है मजा ही ले रे ठीक लग लो दम